बाड़मेर में एक शख्स ने किया अपनी पत्नी के दोस्त का अपहरण। पत्नी से मिलने आए बॉयफ्रेंड को पति ने कमरे में बंद कर लिया। पत्नी के प्रेमी को छोड़ने के बदले मांगी 2 लाख रुपए की फिरौती। लेकिन पुलिस ने जाल बिछाकर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब चारों आरोपियों से पूछताछ कर रही है बाड़मेर पुलिस। लाला राम जो है चौधरी बाड़मेर के रहने वाले, उन्होंने कहा मेरे रिश्तेदार मंगना राम है दूदू के रहने वाले, उनका लड़का मोहन जो कोई काम से बाड़मेर आया था, उस लड़के का अपहरण हो गया। उसने कोई फोन नंबर से बताए, उस फोन नंबर से बार बार 3-4 लड़के जो फिरौती वसूलने के लिए धमकियां दे रहे हैं कि नहीं फिरौती नहीं दी तो हम मार देंगे। इस इतला पर मंगनाराम जो दूदू था उसको यहाँ बाड़मेर बुलाया, उसके उससे 2 लाख रुपए मंगाए थे, जो अपहरण करता थे उन्होंने 2 लाख रुपए मंगाए थे, वो पैसे लेके यहाँ आया। उसके बाद में जहाँ पे उन्होंने पैसे लेना बताया वो शाम को 9 बजे के टाइम बताया था, तो 9 बजे पुलिस को जब इतला दी तब पुलिस पार्टी ने चौटन चौराहे पर पूरा घेरा डालकर सिविल वर्दी में और उस अपहरणकर्ता को 2 जनों को मौके से दस्तयाब किया। 2 जने और थे जहाँ पे उसको अपहरण करके लगातार मारपीट की थी, सुखदेव और उत्तमराम, फिर बाद में रात देर रात उन दोनों को भी दस्तयाब किया और अपहरण जो लड़के का हुआ था उसको सुरक्षित छुड़वा कर थाने लाए। उसके बाद उसके पिता द्वारा रिपोर्ट की थी और रिपोर्ट के आधार पर 4 युवकों को हमने गिरफ्तार कर लिया है।